उस चीज़ के खिलाफ केस कर दिया कि मतलब इन्होंने कोई विवादित पोस्ट की, वो पोस्ट ना पुलिस वालों ने देखी, ठीक है, ना मैंने देखी, और मतलब वो कि भगवान जाने किसने देखी, बट उस बेसिस पे पापा को थाने में बिठा दिया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ठीक है, हज़ारों लोग हज़ारों तरह की पोस्ट कर देते हैं, तो क्या मतलब हम लोग मतलब अपने घर से हथियार लेके, चाकू तलवार बंदूक लेके क्या उनको मारने चले जाए, हैं, मतलब ये किस हद तक सही था उस टाइम ना, अगर लोगों के हत्थे चढ़ जाते ना तो मेरे हिसाब से उनका बोटी बोटी भी नहीं बचती, उन लोगों को वही लोग मार देते, कुछ नहीं होता, मॉब लिंचिंग के केस बनता और ख़त्म। हम शमशान गए थे तब मैंने 2-3 फ्रेंड लिए थे कि मतलब एक तो इन लोगों को जब तक फांसी नहीं होती तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा और दूसरा मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। अट्ठाईस जून 2022 को उदयपुर में एक विवादित पोस्ट के कारण एक टेलर की निर्ममता से हत्या कर दी गई। क्या कुछ पूरा मामला था और आज क्या उस परिवार की स्थिति है, इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, वो हम आपको आज बताते हैं। दरअसल नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने के चलते दो हत्यारों ने दुकान में घुसकर एक टेलर की हत्या कर दी। टेलर का नाम था कन्हैयालाल तेली, जो उस वक्त दुकान में मौजूद थे, जो दो कारीगरों के साथ उस वक्त कपड़ा लगातार वहां पर काट रहे थे। नाप देने के बहाने दोनों हत्यारे इस दुकान में घुसे और कन्हैयालाल पर ताबड़तोड़ वार किए थे और वहीं उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। एक साल के बाद तमाम चीज़ें हुई। एक साल के दौरान इस मामले में दो मुख्य आरोपियों के अलावा कुल 9 आरोपी गिरफ्तारी हुई। बाद में NI चार्जशीट पेश करी, उसमें 2 पाकिस्तान के युवकों का कनेक्शन भी सामने आया। एक साल में जो वादे थे, दावे थे, वो परिवार को कितने संतुष्ट कर पाए हैं, उस पर हम बातचीत करने के लिए परिवार के साथ पूछते हैं और बात कर लेते हैं। सब एक साल हो गया है, आज भी किस तरह से आपके फादर की यादें आपको कहीं कहीं मन में एहसास कराती है? मतलब अभी भी मतलब ऐसा रहता है कि मतलब पहले जब पापा थे तो कितनी मतलब एक लाइफ जो अच्छी चल रही थी, वो मतलब पापा की नहीं होने के बाद पूरी तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें बदल गई है लाइफ में, और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है। और मतलब जैसे पापा हैंडल करते थे ना पूरी फैमिली को और मतलब हम लोगों को, वैसे हम नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि मतलब पापा है ना, जैसे जो भी अपनी पूरी बड़ी फैमिली है, ठीक है, तो अपने बुआ वुआ अंकल वंकल और जो भी मतलब इधर मामा मामा की फैमिली है, मतलब कुछ भी राय लेने के लिए ना ये सब पापा को ही फोन। हाँ बिल्कुल, पापा की याद नहीं। पोस्ट क्या था एक्चुअली, वो पोस्ट क्या था जिस पर ये पूरा मामला हुआ? एक्चुअली मैं वो पोस्ट तो मैंने भी नहीं देखा, ठीक है, वो पोस्ट क्या था, वो पोस्ट मेरे को पापा ने ऐसा घर पे आके उस दिन जिस दिन पोस्ट हुई थी घर पे आके बोला था कि यार वो सामने से नाजिम जो था वो आया है शॉप पे और वो बोल रहा है कन्हैयालाल जी आपके फ़ोन से कोई पोस्ट हो गई है, लाओ मेरे को दो और मैं डिलीट कर देता हूँ। और वो पोस्ट उसने एट ए टाइम डिलीट कर दी उसके हाथों से, ठीक है, और उसने फिर जाके उस चीज़ के खिलाफ केस कर दिया कि मतलब इन्होंने कोई विवादित पोस्ट की, वो पोस्ट ना पुलिस वालों ने देखी, ठीक है, ना मैंने देखी, और मतलब वो कि भगवान जाने किसने देखी, बट उस बेसिस पे पापा को थाने में बिठा दिया गया था। और फिर मतलब इस अगले वो तो क्या थाने वाले तो पापा को अगले दिन जेसी कर रहे थे, ठीक है, बट हमने ना उस केस में मतलब एक वकील को हायर करके फिर वो पापा की बेल करी, वो भी संडे के दिन मजिस्ट्रेट नहीं बैठते, फिर भी सुबह सुबह हमने जाके और के मेरे एक पापा के फ्रेंड है उनको बुला के बेल करवाई थी। आज किस तरह की यादें याद आती है कि एक साल पहले आपके फादर घर से निकले थे, दुकान में दो हत्यारे आए और एक पोस्ट के कारण उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, किस तरह से आप मानते हैं, क्योंकि इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जेल में है, अब आप क्या चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ठीक है, हज़ारों लोग हज़ारों तरह की पोस्ट कर देते हैं, तो क्या मतलब हम लोग मतलब अपने घर से हथियार लेके, चाकू तलवार बंदूक लेके क्या उनको मारने चले जाए, हैं, मतलब ये किस हद तक सही था, ठीक है, अगर उनकी नज़रिए में वो सही था तो मतलब उन लोगों ने बहुत बुरा किया और उनका अंजाम भी बहुत बुरा होगा, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर है ना, अगर मेरा ये मानना है कि अगर वो लोग हैं ना उस टाइम है ना, अगर लोगों के हत्थे चढ़ जाते ना तो मेरे हिसाब से उनका बोटी बोटी भी नहीं बचती, उन लोगों को वही लोग मार देते, कुछ नहीं होता, मॉब लिंचिंग के केस बनता और ख़त्म, किसी पे कोई केस नहीं होता, बट सरकार के हाथ लग गए वो, इस केस को इन्होंने फालतू इतना लंबा खींच लिया साल भर 1.5 साल तक, ठीक है। अरे ऐसा है कि लोगों को सज़ा देने से क्राइम कम होता है, ठीक है, बट सरकार इस चीज़ को पता नहीं इतना लंबा क्यों खींच रही है। क्या मानते हैं
करते हैं आप, जिस तरह से तमाम आरोपियों के साथ साथ जो गवाह थे उनकी गवाहियाँ हो चुकी है, इन्हें चार्जशीट पेश कर दी, क्यों लेट हुआ, आप क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि अपने देश का जो सिस्टम है ना, मतलब जो जस्टिस सिस्टम है, न्यायिक सिस्टम है, इसको सरकार को अभी भी बदलने की इतनी आवश्यकता है कि मतलब जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। क्यों, अपने देश में आए दिन केस होते हैं, ठीक है, और कंट्रोवर्सी भी होती है, हर चीज़ होती है, ठीक है। देखिए, ऐसा है कि क्राइम ऐसा नहीं है कि अपने ही देश में हो रहा है, अदर कंट्रीज़ में भी होता है, ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ में भी क्राइम होता है, बट वहाँ पे नियम रूल्स ये है कि एट ए टाइम उनको सुलझा दिया जाता है, उनको लंबा नहीं खींचा जाता और क्राइम कम होते हैं, ठीक है। अपने देश में उस चीज़ को मतलब बढ़ाया जाता है, लोगों को मतलब उत्साह मिलता है क्राइम करने का कि यार उसने ये कर दिया, उसने मर्डर कर दिया था और साल भर हो गया, दो साल हो गया। देख रहा हूँ आपके बड़े बड़े बाल हैं, पाँव में चप्पल नहीं पहनी है, क्या कारण है और क्यों नहीं पहन रहे? एक्चुअली मैं मतलब मैंने जब ये इंसिडेंट हुआ था और हम शमशान गए थे, तब मैंने दो तीन प्रण लिए थे कि मतलब एक तो इन लोगों को जब तक फांसी नहीं होती तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, और दूसरा मैं बाल नहीं कटाऊंगा। इसी का रीज़न से मतलब अभी तक मैंने ये नहीं किया है। आप कन्हैया के छोटे बेटे हैं, किस तरह के ख्वाब थे आपके पापा के आपको लेकर? सर, मेरे पिताजी का एक मतलब यूँ ड्रीम था कि मेरे मतलब बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ लिख ले और मतलब कुछ अच्छे जॉब वॉब करें, और मेरे फादर का एक ड्रीम भी था कि मैं बच्चे को फार्मेसी कराऊँ और मतलब मैं बच्चा मेडिकल वेडिकल खोले, और सर मैं वही कंटिन्यू कर रहा था, परंतु मेरे फादर के साथ मैं अभी पिताजी के साथ ये हुआ है तो उसके कारण अब मेरे को जॉब है, पर मेरे जो पहले वाले ड्रीम था वो साकार नहीं हो रहे। किस तरह का डर रहता है मन में आज भी आपके? डर तो सर अब मतलब पिताजी थे तब तक सब अच्छा रहता था, अब मतलब थोड़ा बहुत निकल। पुलिसकर्मी साथ रहते हैं क्या आप? यस सर, गार्ड है, गार्ड तो है, वो साथ रहते हैं 24 आवर्स, मतलब यूँ है लगा रखे, पर फिर भी थोड़ा बहुत यूँ हिचकिचाहट रहती है मन में। आपसे पूछते हैं, 28 जून को यहाँ से निकले थे, इसी घर में वो थे, फिर वो चले गए, दोपहर बाद सूचना आई और सेकंड शव मिला, वो दिन क्या था और किस तरह से उनको आप मिस करते हैं? दिन तो देखो, उनको मंगलवार का व्रत रखते थे, उस दिन मंगलवार था, तो वो उनको तो फेवरेट वो कह रहे मेरे तो, तू सब्जी रोटी बना दे, टिफिन भर के दे दे, वो उनको तो 1 बजे खाना जरूरी था, 1 बजे व्रत खोल लेते थे। अब मेरे को क्या पता कि शाम को मेरे घर पे नहीं आएंगे, तो महसूस तो होता ही है क्या करें, अब देख देख के याद कर कर के रोना तो आता है, पर बच्चे के लिए मेरे को जीव थोड़ा शांति रखना पड़ता है, अब इनको भी तो संभालना भारी पड़ता है, मेरे बच्चे को भी। सरकार ने जो वादे किए थे आपको, आर्थिक मुआवजे की बात थी, सरकार ने आपके दोनों बेटों को नौकरी दी है, उसके बाद क्या आपको लगता है अब क्या बाकी रहा? खुशी नहीं है मेरे को, जैसे इसके पापा थे छोटी मोटी नौकरी करते थे तो वो खुशी उनके साथ में वे होती, वो महसूस हमको बिल्कुल नहीं हो रही, वो खुशी है ही नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते क्या, वो हम तो यही चाह रहे हैं उनको जल्द से जल्द फांसी दिलाओ, तो हमको थोड़ी शांति इसके पापा को मिलेगी, हमको भी मिलेगी शांति। आरोपी जेल में है अभी तो, वो भी सजा काट रहे हैं, क्या सोचते हैं, उन्हें खाना पानी मिल रहा वो नहीं मिलना चाहिए, या मतलब तुरंत फांसी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए उनको, या एनकाउंटर कर दो या उनको फांसी दे दो, मैं तो ये चाह रही हूँ। इसके पापा के साथ कैसा सलूक करा वैसा वैसा उनके साथ ही होना जरूरी, उनको मारते समय उनको दया नहीं आई होगी, हम तो एक चूहे को मरते हुए देखते तो भी हमको कैसा लगे कि उसके खून आ गए, उन्होंने इसके पापा के साथ कैसे करे, ये बच्चा कभी बात करता मम्मी आप तो वहीं मर जाते, आप देख लेते थे। आपको वीडियो नहीं दिखाया? मेरे को नहीं दिखाते ही नहीं, अभी तक ही नहीं दिखाया कि पापा के साथ क्या हुआ, मैं बेटा मेरे को दिखा, मम्मी आप अभी आपके कुछ हो जाएगा तो हम कैसे संभलेंगे, मैं क्या हुआ पापा के साथ क्या हुआ, नहीं आपको नहीं दिखाएंगे मम्मी। अस्थि विसर्जन कर दिया आप लोगों ने? नहीं करा अभी तक, कहाँ करा, वो उनको फांसी मिलेगी तब तक उनको ही शांति मिलेगी, उसके बाद ही आप करेंगे। हाँ, जब तक यही पड़ी है हमारे, अब जाए तो हरिद्वार बच्चों को भेजू कैसे, डर तो लगता ना, मैं बच्चे को भले 2 पुलिस वाले हो 4 हो तो भी डर लगता ना, हरिद्वार भेजेंगे तब भी उनको शांति मिलेगी, मैं देख रही पहले उनको फांसी मिल जाए फिर उनके वहाँ पे भेजेंगे। इस पूरे मामले पर एक पिक्चर बनने की बात भी सामने आ रही थी, किसी ने आपसे संपर्क किया है क्या? हाँ, मतलब एक प्रोड्यूसर थे अमित जानी जी, उन्होंने मेरे से मतलब एक बार संपर्क किया था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ इस मतलब मूवी बनाने के लिए।
तो वो मतलब शायद 28 तारीख के दिन शायद से मिलने आएंगे, उन्होंने ऐसा कुछ पक्का नहीं बोला, बट मे बी। आप किस तरह की मांग चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैं तो शुरू से अभी तक यही चाहता हूँ कि इन लोगों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिले, और मतलब हमको मतलब मेरे पिताजी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, उनको फांसी मिलेगी तभी। तो ये थे एक वर्ष पूर्व सांप्रदायिक सौहार्द में विवादित पोस्ट के मामले में हत्या के शिकार हुए कन्हैयालाल साहू के परिवार के लोग। ये दोनों बेटे हैं और एक पत्नी है, जो आज भी अपने पिता और पति को किस रूप में मिस करते होंगे इसका अंदाज़ा लगा पाना शायद मुश्किल है। इसके अलावा इस परिवार की ये मांग है कि जब तक दोनों मुख्य आरोपियों को फांसी नहीं मिलेगी, तब तक परिवार का बड़ा बेटा बाल नहीं कटवाएगा और पाँव में चप्पल नहीं पहनेगा। इसके अलावा अब तक जो है इस मामले में परिवार ने 80 विसर्जन भी नहीं किया है। परिवार चाहता है कि जिस दिन सभी आरोपियों को फांसी हो जाएगी, उन्हें कड़ी सज़ा मिल जाएगी, उसके बाद ही कन्हैयालाल की आत्मा को शांति मिलेगी और वो हरिद्वार में जाकर 80 विसर्जन करेंगे। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, उदयपुर।